अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग फिर से कोला फिश बना रहे हैं, लेकिन कोला फिश ग्रेवी करी। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग आइटम है और बहुत ही टेस्टी आइटम है। इमीडिएटली हम लोग रेसिपी स्टार्ट करेंगे। चलिए, रेसिपी स्टार्ट करने के लिए एज यूजुअल हम लोग इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होते ही हम लोग इसमें मेथी, फेनुग्री सीड्स और मस्टर्ड सीड्स, राया भी ऐड करेंगे। इमीडिएटली हम लोग इसमें ड्राई रेड चिल्ली ऐड करेंगे। ड्राई रेड चिल्ली डालते ही हम लोग इसमें ऑनियंस ऐड करेंगे। ऑनियंस डाले बाद दो तीन मिनट उसको ऑयल में अच्छी तरह पकाए बाद हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑयल में अच्छी तरह भुने के बाद हम लोग इसमें करी लीव्स ऐड करेंगे। नेक्स्ट टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। इसी में हम लोग कोरिएंडर पाउडर भी ऐड करेंगे। कोरिएंडर पाउडर डालते ही हम लोग इसमें मेथी पाउडर भी ऐड करेंगे थोड़ा सा। सारे मसाले ऑयल में अच्छी तरह भुने के बाद हम लोग इसमें टैमरिंड जूस ऐड करेंगे। टैमरिंड जूस अच्छी तरह बॉईल होते वक्त उसी वक्त हम लोग इसमें जो कोला फिश पीसेस है वो ऐड करेंगे। फिश पीसेस ऐड करे बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा फिश मसाला भी ऐड करेंगे ताकि और भी मजे का लगे। ग्रीन चिल्ली जरूरी नहीं है, लेकिन इसको और भी स्पाइसी करने के लिए हम लोग स्लाइस्ड ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे। फाइनली इसमें हम लोग फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर भी ऐड करेंगे। माशाल्लाह क्या कलरफुल लग रहा है। फाइनली इसको एक बार ऐसा मिक्स करके 10 मिनट तक बॉइलिंग के लिए रख देंगे।
आज का कोला फिश ग्रेवी करी माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया बना है। इमीडिएटली पैक करेंगे और नीडी पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। Thank you.
आज का ये रेसिपी अगर आपको पसंद आया, इमीडिएटली अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर करिए। उसके वजह से और भी नीडी पीपल को फायदेमंद हो सकता है। और अपने घर पे भी बना के देखिए, आपको कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। और मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पे नवाब्स किचन ऑफिशियल पे फॉलो करिए, और फेसबुक पे नवाब्स किचन पेज पे भी फॉलो करिए। और हमारे टीम को कॉन्टैक्ट करने के लिए 786guardfoods@gmail.com पर मेल करिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।